नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे एक और खबर को। छतरपुर शहर इन दिनों यातायात की समस्याओं से जूझ रहा है। शहर की सड़कों पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। लोगों को वाहन चलाना तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल शहर के बीच से निकले दो हाईवेज और इन हाईवेज से निकलने वाले वाहनों की संख्या के कारण ये स्थिति खराब हो रही है। हालांकि स्थिति को और अधिक बिगाड़ रहे हैं हाईवे पर बनने वाले नए भवन। हाईवे पर इन दिनों कई नए भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। टीएनसी यानी कि नगर निवेश कार्यालय जो विभाग है, जो कि नक्शा पास करता है इन भवनों का, वहां से जब इन भवनों के नक्शे पास कराए जाते हैं तो भवनों में पार्किंग दर्शाई जाती है, लेकिन जब इनका निर्माण होता है तो पार्किंग गायब कर दी जाती है। ऐसे में पार्किंग रहित इन भवनों के कारण इन भवनों में आने वाले लोगों की पार्किंग हाईवे पर हो जाती है और आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इस संबंध में एसडीएम रविंद्र चौकसे का कहना है कि वे इस बारे में जानकारी लेंगे और अगर ऐसी स्थिति है तो कार्रवाई करेंगे। जब वो अपना मकान बनाने का लेआउट जो पास करते हैं वो टाउन गंडी प्लानिंग से पास होता है और उस समय टाउन गंडी प्लानिंग वालों को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्किंग के लिए जगह उसमें हो। यदि इस तरह के कोई मैटर सामने आते हैं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। शिक्षा को मिशन की तरह आगे बढ़ा रहा है ड्रीमलैंड इंग्लिश स्कूल, वेयर यू कैन फाइंड ओल्ड एंड एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ फार फ्रॉम रस्सी एंड पॉल्यूटेड एरिया, पीसफुल एनवायरनमेंट, स्पेसियस क्लासरूम्स, मॉडर्न एंड लार्ज लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, योगा एंड अदर एक्टिविटीज क्लासेस। प्रवेश के लिए संपर्क करें काली देवी मंदिर तिराहा, महोबा रोड, छतरपुर, सिटी ब्रांच, राजमहल परिसर, छतरपुर।